जय हिंद बंधुरा, आशा करी अपनारा भालो आछेन। आमी आपनादेर बंधु एक्स सोल्जार फिरदौस मंडल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, क्या एसएससी कांस्टेबल जीडी के टाइम मतलब ट्रेनिंग के टाइम ड्यूटी होता है? भाई आप क्रिकेट खेलने लग गया और वो भी कभी ग्राउंड में नहीं गया, आपको सिखाएगा कोई आपको गुरुजी, तो आप सीख सकते हो? ऐसा नहीं है ना, ड्यूटी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आपको मालूम पड़ेगा वो ड्यूटी आप सही कर रहे हो या गलत। तो दोस्तों, बोलने से पहले आपका पास एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हो लाइक कर दीजिए इस वीडियो में, और नेहा मेहमान के पास एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल वाला घंटी को बजा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ट्रेनिंग टाइम क्या ड्यूटी होता है उसके बारे में इस वीडियो है। दोस्तों, हम कुछ चीज जब सीखेंगे तो वही चीज का प्रैक्टिकली करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग टाइम आपका वो प्रैक्टिकली सिखाया भी जा सकता है, सॉरी सिखाया जाएगा ही। दोस्तों, उसमें आपको खाता पेन में तो सिखाएगा और आपका फील्ड में जाके सिखाएगा। तो ड्यूटी के लिए ही हम लोग भर्ती होते हैं डिफेंस के जॉब में, तो ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। ड्यूटी पूरा दिन में सिर्फ वही बंदा को लगता है जो संतरी होता है। अभी संतरी कौन, किसको बोलते हैं? दोस्तों, संतरी एक एक कंपनी में दो दो बंदा को छांटता है, किसी कंपनी में तीन बंदा को भी छांट सकता है। अपना जो सामान है वो तो हम लोग कैंप में रख के उसके बाद ही तो हम लोग ग्राउंड में जाएंगे हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वो सामान आपको सेफ रखने के लिए दो से तीन बंदा डिटेन किया जाता है, वो लोगों को संतरी कहता है। और कुछ बंदा का जो किचन है जहाँ पे आपको रसोई है जहाँ पे आपको कुक होता है, उसमें कुछ बंदा का ड्यूटी लगता है आप लोगों के लिए खाना बनाने के लिए। बनाने का तो बंदा है पर आपका सिर्फ वो हेल्प करना पड़ेगा, सब्जी काटना दूसरा जो वगैरह वगैरह काम है उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा, वो भी ड्यूटी के अंदर होता है। और रात में आपका दो घंटा ड्यूटी आता है, हर दिन नहीं भाई, नहीं हर दिन तो नहीं है, क्योंकि टोटल जो ड्यूटी टाइम होगा ना उसके जो बंदा होगा उसमें काउंटिंग होगा। पकड़ लीजिए एक दिन में 50 ड्यूटी लगता है, टोटल आप लोग 150 बंदा हो, तो प्रति दो दिन बाद, हर दो दिन बाद आपको एक बार ड्यूटी लगेगा। रात में ड्यूटी होता है, रात के 7 बजे से शुरू होता है ड्यूटी, 7 से 9, 9 से ऐसा करके दो घंटा करके अलग अलग बंदा को ड्यूटी लगता है। लगभग पूरा रात ही ड्यूटी होता है और लास्ट ड्यूटी होता है सुबह 4 बजे तक। तो सुबह 4 बजे के बाद आपको फ्रेश होना है और फिर दोबारा आपको ट्रेनिंग में जाना है। हाँ, थोड़ा सा तो आपके अंदर ढालना पड़ेगा, कष्ट तो होता है क्योंकि 2 बजे वो बंदा उठा और उसको पूरा दिन भाई रनिंग इतना भागना दौड़ना और रनिंग फिजिकल करना था, और उसके बाद रात में तो नींद बहुत आता है, तब भी 2 बजे से वो 4 बजे ड्यूटी करके अपना काम पूरा करके उसको फिर फिजिकल में जाना है, फिर 20 किलोमीटर रनिंग करना है ना सुबह, और साथ साथ आपको जितना भी पीटी है सब करना पड़ेगा, यूएसटी करना पड़ेगा, जूडो करना पड़ेगा, आपको जो दिल है वो करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको फिजिकली एंड मेंटली 24 घंटा के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में कर देगा आपको सर लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था, ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसलिए सीखने के लिए ड्यूटी करना पड़ेगा और ड्यूटी आपको करना ही है। ड्यूटी के लिए आप भर्ती हुए हो, आप ड्यूटी के लिए ही आप सिलेक्टेड हुए हैं। सब बढ़िया रहो, जय हिंद जय भारत।